सोलन के समीप लवी घाट में रेत की खान के समीप पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए घर की छत पर रात को गिरा है। ये इतना बड़ा पत्थर था कि ये 3 मंजिला मकान के 2 RCC लेंटर तोड़ दिए गए और अभी भी ये बड़ा पत्थर लेंटर पर लटका पड़ा है। अगर ये वहां से नीचे गिरता है तो यहाँ तीसरे लेंटर को भी तोड़ सकता है। गनीमत यह रही कि जब ये पत्थर गिरा तब उस समय उस कमरे में कोई मौजूद नहीं था। अगर कोई होता तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। जिन कमरों पर ये पत्थर गिरा है उसमें किराएदार रहते थे। गनीमत रही कि वे किसी काम से बाहर गए हुए थे। मकान मालिक सबसे नीची मंजिल में सो रहा था। जब उन्हें लेंटर टूटने की आवाज़ हुई तो वे आधी रात को ही घर से बाहर निकल गए और खौफ की वजह से सारी रात उन्होंने सड़क पर ही काटी। मकान में रह रहे लोगों ने बताया कि जहाँ से ये पत्थर गिरा है वो पहले रेत की खान चलती थी, लेकिन कुछ समय पहले वहाँ से पत्थर गिर रहे थे और उनके मकान को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा था। उस घटना के बाद ये रेत की खान बंद कर दी गई, लेकिन उसके साथ ही दूसरी जगह से रेत का खनन अभी भी चल रहा है, जहाँ JCB मशीन खुदाई करती है। उन्हें लगता है कि ये कंपन की वजह से ये पत्थर हिल गया, जिसके कारण यहाँ हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी भी पत्थरों के गिरने का खतरा बना हुआ है। अगर इस खान को समय रहते बंद नहीं किया गया तो आसपास के घरों को खतरा बना रहेगा। क्योंकि मेरा नाम निखिल गुप्ता है और हम बस रात को हमने डिनर डिनर किया तो हम सो रहे थे और रात को करीब 12:50 पे धीरे धीरे आवाज़ें आने लगी। उसको हमने इग्नोर किया कि क्या पता बारिश वगैरह हो रही हो, क्योंकि रात को बाहर तो निकले नहीं हम। उसके बाद जब ये वाले इस वाले लेंटर पे जब पत्थर आया ना बड़े वाला है, उसके बाद फिर मेरी नींद खुली, फिर मेरे मम्मी भी जगी, फिर बहन भी जगी, फिर हमने बोला कि हम बाहर निकलते, फिर हम पिछले वाले दरवाजे से बाहर निकले, फिर हमने और पड़ोसियों को भी जगाया और चलती रही ये खान 12:50 से लेकर 3-4 बजे तक चलती रही ये खान, धीरे धीरे चलती ही रही। अभी आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखो ऊपर भी एक पत्थर अटका हुआ है, इतना ही बड़ा पत्थर है। अगर ये नीचे आता तो ये पता नहीं क्या करता, ये तो भगवान की माया है कि हम बच गए। जी हाँ जी, पहले भी 1-1.5 साल पहले आई थी जी ये खान, तब भी यहाँ पे लेंटर फटे थे, किराएदार रहते थे यहाँ पे, पर उस टाइम भी वो बच गए, वो भी बच गए और हम भी बच गए भगवान की कृपा से। जी ये जो पहाड़ है ना जी, ये पहले रुक गया था, ये अपने आप ही रुक गया था, इसको किसी ने रोका नहीं या फिर किसी ने यहाँ पे मशीन वगैरह नहीं लगाई कि इसको रोका जाए। ये ऐसे ही था, यहाँ पे इन्होंने एक गड्ढा किया था, वो भी गड्ढा पूरा भर गया हुआ है कि हाँ भाई नीचे पत्थर नहीं आएंगे। तो अब जब ये गिर रहा है तो यहाँ पे पत्थर कैसे आ गए? यहाँ पे गड्ढा हुआ था, बेशक गड्ढा किया उन्होंने, तो उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे वो लगाएंगे डंगा, पर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई इसकी। पर जो इसकी पिछली साइड है ना, जहाँ पे रेते की खान चल रही है, वहाँ पे तो चल ही रही है वो, वहाँ पे मशीन्स वगैरह लगी हुई है, उसकी वाइब्रेशन से क्या पता ये आया हो। दिक्कत तो सर क्या है, ये पहले भी ऐसा हो चुका है, तभी इनकी यही खान वालों ने कहा था कि कोई बात नहीं डंगा डुंगा लगाएंगे, जो भी बेटा ने कहा, तो हमने भी सोचा कि चलो ठीक है मैम की। अब फिर कल ये घटना फिर घटी, हम तीनों ही थे यहाँ पे, और अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब प्रशासन इसके वो करे और कुछ जो खान वाले वो भी ध्यान दे। अभी तो ये चलो काफ़ी पत्थर हैं जो रुके पड़े हैं, अभी ऐसा है चलो नुकसान नहीं हुआ, हमारे किराएदार हैं वो भी अभी छुट्टियों पे घर गए हुए हैं, देख सकते हैं आप नीचे तक कितना नुकसान हुआ, हमारी तो जान बची। और अब हम 1:49 पे हम यहाँ से भागे हैं रात में। अब बताएं सर, ये तो जो ये अब घटना ऐसी घट रही है, तो अब हमारे को तो यहाँ रहने को भी मन नहीं हो रहा, जिस तरह से आपदा आ रही है बार बार, और ये कुछ प्रशासन भी कुछ नहीं ले रहे, और जिनकी ये खान चल रही है उन्होंने भी कुछ इसमें ध्यान नहीं दिया, अभी तक कोई आया भी नहीं है हमारे पास कि ये क्या हुआ क्या नहीं, जबकि हमने खुद पड़ोसियों को जगाया कि ये घटना हो गई है। T97 में तो यहाँ पर पत्थर गिरे थे, तो यहाँ पर पहले भी नुकसान निचली साइड हुआ था, लेंटर के टूटे थे लोगों के। उसके बाद 2 साल पहले ये दोबारा खान गिरी यहाँ से और लोगों का नुकसान हुआ, तो यहाँ पे इनके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, इन्होंने लेंटर लुंटर डाल के दिए इनको और इनसे कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि डंगा लगाएंगे हम यहाँ पे और डंगे से ये पत्थर रुकेंगे और दोबारा चीज़ें नहीं होगी, पर ये दोबारा चीज़ें चल पड़ी, क्योंकि तो प्रकृति की चीज़ है, कभी कुछ नुकसान हो सकता है। और बेसिकली यहाँ पर इस रूम में लोग रहते थे, तो लोग अभी बच आप उनका सौभाग्य किस्मत की बात कहो कि वो नीचे गए हुए थे, वो यहाँ पे थे नहीं, अगर उस रूम में होते तो इसमें कैजुअलिटी भी हो सकती थी, 3-4 लोगों की डेथ भी हो सकती थी। तो ये खान तो कंटिन्यू आएगी आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, और ये तो पूरे मतलब आप एरिया की बात करो, यहाँ से लेकर पूरे
नावी घाट तक खतरा है इसका, ये पहाड़ कभी भी और भी नीचे आ सकते हैं। ये ऐसे ही चलती रहेगी तो फिर सबकी जान को खतरा है। पहले भी आई थी तो पूरे लावी घाट खेत लोगों को नीचे यहाँ घर को सड़क को चीरते हुए गए थे पत्थर, तो लोगों की जान को खतरा है। तो हमारी तरफ से तो यही है कि इसको ठीक करो, इसको बंद करो, क्योंकि अगर ऐसे अभी पूरा पहाड़ है, अभी कभी भी आ सकता है। लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि छोड़ के चले जाओ, कहाँ जाएँ हम छोड़ के, पूरा पहाड़ है, ये आएगा तो ख़त्म है पूरी बिल्डिंग, हम कहाँ जाएंगे। हमारी पूरी कमाइयाँ लगी हुई, अब जितना नुकसान हुआ है उसकी हमारे को भरपाई चाहिए। हमारा देखो बेड पूरा ख़त्म है, अलमारी पूरी ख़त्म है, अगर यहाँ पे रह रहे होते वो लोग तो कोई भी नहीं बचना था इसमें। और हमारे पिताजी खुद हैंडीकैप्ड हैं, अगर वो होते यहाँ पे तो कैसे ले जाते हम उनको, उनसे तो भागे भी नहीं जाना था यहाँ से। वहीं पंचायत के उप प्रधान मदन ठाकुर ने बताया कि उन्हें घटना की सूचना मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे और पाया कि एक पत्थर मकान पर गिरा हुआ है, जिसकी वजह से मकान को भारी क्षति पहुंची है। उन्होंने बताया कि इस घटना की वजह से रेत की खान बताई जा रही है, जिस वजह से पत्थर अपना स्थान छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेत की खान के बारे में वे पहले भी कई बार जिला प्रशासन को आगाह कर चुके हैं और निवेदन भी किया गया है कि रिहायशी क्षेत्र में खान की मंजूरी नहीं देनी चाहिए, लेकिन खान को मंजूरी देने से पहले पंचायत को भी पूछा जाना चाहिए, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर अभी भी प्रशासन नहीं जाएगा तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। देखिए, मेरा नाम मदन ठाकुर है और मैं इस पंचायत से उप प्रधान हूँ। देखिए, यहाँ पर दूसरी बार ये स्लाइड हुआ है, शायद 2 साल पहले भी यहाँ पे स्लाइड हुआ था और पत्थर आए थे और यही छत टूटी थी, और आज ये दोबारा से, आज जो 2-3 मंजिले यहाँ टूटी है, ये दोबारा से ऊपर से पहाड़ दड़का है और पहाड़ सीधा अंदर गया है। जान मान का हानि नहीं हुई है, इसलिए हम उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं भाई, ये कुदरती है। देखिए, वजह तो माइनिंग ही है जो सामने दिख रहा है, वजह इसकी मेन तो माइनिंग ही है, जो माइनिंग हुई है उस वजह से ये पहाड़ दड़का है। ये तो नेचर है, आज जो बारिश हुई है तो नेचर की वजह से, जब नीचे से खोखले कर दिए गए हैं पहाड़ तो इसने तो नीचे गिरना ही था। देखिए, पंचायत द्वारा इनको NOC नहीं दी जाती है, ये उच्च अधिकारियों द्वारा ही इनको NOC दी जाती है और ये सारे ऊपर से ही जो भी होते हैं इनकी परमिशन वगैरह, ये माइनिंग और जिलाधीश और हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व वहीं से कहीं से होती है, पंचायत स्तर पे ये नहीं आते हैं। बिल्कुल, मैंने इसके ग्रीवेंसीज के माध्यम से भी आवाज़ उठाई है और ये सामने जो मैंने पहले सभी एक आगाह किया था एडमिनिस्ट्रेशन को, भाई आपके जो ये पहाड़ है इनके साथ जो इसको बायलॉज वो किया जाए, तो माइनिंग वालों ने एक स्टेक जवाब दिया था भी बायलॉज के आधार पर ही ये हो रहा है। तो बायलॉज जो है, मैंने इसको पढ़ा है भी, इसके 5 मीटर के बाद 5-10 मीटर का स्टेप वाइज होती है, तो स्टेप वाइज कहाँ, यहाँ तो 100-100 मीटर स्टेट हाइट कटिंग करके देख रहे हैं आप चारों तरफ, मिसाल देखो यहाँ, देखो यहाँ तो 100-200 मीटर की स्टेट हाइटें पड़ी है, और पहाड़ का गिरना तो ये तो नेचर है, इन्होंने तो गिरना ही है जब नीचे से खोखले कर दिए जाएंगे। रेजिडेंशियल एरिया में एक तरफ तो आप रेजिडेंशियल एरिया बोल रहे, ऊपर से माइनिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो होनी है। माइनिंग की परमिशन जो है वो सोच समझ के देनी चाहिए, जो भी इसको अधिकारी इसके ऊपर काम कर रहे हैं उन्हें इतनी की समझ तो होनी चाहिए भी इसके दुर्गामी परिणाम क्या होंगे, परिणाम तो यही होंगे।